मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी टेक सम एग्जांपल ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन विद द सॉरी बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस वन एग्जांपल टुडे वी रिपीट दिस एग्जांपल एंड वी क्लियर रिएक्शन बैलेंसिंग बाई आयनिक रिएक्शन बैलेंस बाई ऑक्सीडेशन मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स तो लास्ट वीडियो में जो ने डिस्कस किया था कि भाई जो, जो रिएक्शन है उसको आप बैलेंसिंग कैसे करेंगे ठीक है तो आयनिक रिएक्शन है तो आपको जो लास्ट वीडियो था कल का जो वीडियो था उसमें आपको एक रिएक्शन मैंने बैलेंस करके बताई थी उसमें क्या एक भी थोड़ा सा स्टेप से मैंने आपको ज्यादा वो कर गया था तो आज अपन थोड़ा सा स्मूथली उसको दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास ये रिएक्शन थी एसओ थ्री माइनस टू सी आर प्लस थ्री प्लस एसओ फोर माइनस टू ठीक है रिएक्शन ये एक्वस ये भी एक्वस एक्वस ये भी एक्वाश ठीक है तो इस रिएक्शन में आपको क्या है कि ऑक्सीडेशन जो नंबर मेथड है कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मेथड से इस रिएक्शन को आप क्या करेंगे आइनिक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ठीक है और रिएक्शन किस में है एसिडिक मीडियम अब आपको यह बताया हुआ है कि एसिडिक मीडियम है तो उसमें आयन चार्ज किससे करेंगे आयन जो बैलेंस है वो H से होगा ठीक है अगर बेसिक मीडियम में है तो ओ एच माइनस से है और वाटर में है यानी कि एक्वस में होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि भी क्या होगा एच प्लस और ओ एच माइनस आप बोथ से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं आपको डिवाइड कराया है ठीक है तो अब क्या है कि आप यहां पर आयनिक रिएक्शन है तो इन आयनिक रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है तो अब आपको स्टेप मैंने आपको बता दिए थे कल भी इसी रिएक्शन पर अपने डिस्कस किया था और आपको मैंने इसके सिस्टम भी आपको बता दिए थे कि भाई आयन आप कैसे आयनिक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ठीक है तो एक बार अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं तो फर्स्टली आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको जो रूल फॉलो करने होते हैं तो पहले तो आपको इसके लेटर इसका लिखना होता है तो वो कोई मेन इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पर फर्स्टली आपको क्या देखना है कि उनका ऑक्सीडेशन ठीक है तो इसमें आप क्या करेंगे कि देखो मेन थ्री पॉइंट्स है फर्स्ट क्या है यहां पर एटम बैलेंस एटम बैलेंस करना है सेकंड आपको उनकी ऑक्सीडेशन नंबर देखने ऑक्सीडेशन देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके साथ क्या है कि आपको इनको क्या करना है बैलेंस यानी कि इक्वल करना है ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको

कि यहां पर एटम बैलेंस करना है ठीक है फर्स्टली आपको क्या करना है एटम बैलेंस करना है अब आप यहां पर देखिए कि क्रोमियम यहां पर क्या है टू है और यहां पर क्या है वन है तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है आपको ये फर्स्टली आपने ये कर दिया यहां पर कि आपने इसको एटम यहां पर क्या क्या किए हैं बैलेंस किए हैं ठीक है, है। अब ये बैलेंस हो गया तो अब इस कंडीशन में अब आप यहां पर क्या देखेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन देखेंगे ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आप देखनी है आपको कैसे क्या करना है तो अब आप यहां पर देखिए कि सी है तो यहां पर क्रोमियम है वो क्या है यहां पर प्लस सेवन स्टेट है अब आप ये सोच रहे हैं कि प्लस सेवन कैसे आ गया सर तो आपको ये क्या है कि मैंने फॉर्मूला बताया हुआ कि भाई जो भी आपके पास मोलिक्यूल होता है ठीक है ना तो आयंस में है या नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में है तो आप क्या है कि उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई आपको जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जैसे आपको सी आर की कैलकुलेट करनी है तो इसको अपन एक्स सपोज कर लेते हैं ठीक है प्लस ठीक है फिर क्या करना है कि बी जो उसके साथ है अब यहाँ पर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या होती है बैलेंसी माइनस टू होती है ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पर क्या है कि कितने आइटम्स से इसके सेवन है ठीक है तो सेवन इंटू माइनस टू और अगर उस पर क्या है चार्ज है तो उसको आप क्या ले जाएंगे इक्वल में क्या ले जाएंगे इक्वल में वो क्या है माइनस टू है आप ठीक है तो अब यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा यहां यहां पर याँ पर x की वैल्यू कितनी है दो है यहां पर क्रोमियम ठीक है ना क्रोमियम क्या है यहां पर टू है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा यहां पर तो अब यहां पर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो अब क्या होगा टू एक्स माइनस देखो यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है तो माइनस प्लस क्या होंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर्टीन इक्वल टू यहां पर क्या है माइनस टू ठीक है तो आप इसकी अब यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो टू एक्स इक्वल टू ये माइनस टू है तो यहां पर माइनस टू और इसका साइन इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 14 तो आपके पास हो गया टू एक्स इक्वल टू ट्वेल्व तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन टू इक्वल टू सिक्स तो यहां पर जो वैल्यू वो क्या है सिक्स है सॉरी मैंने यहां पर सेवन कर दी थी तो इसकी वैल्यू क्या है यहां पर प्लस सिक्स है ठीक है अब यहां पर नेक्स्ट यहां पर प्लस थ्री है अब यहां पर सल्फर की आप कैलकुलेट करें तो सल्फर की आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या है इसकी वो प्लस फोर है ठीक है और इधर आएंगे तो इसकी क्या है प्लस सिक्स है ठीक है तो यहां पर ये क्या है कि इनके आपने इस तरह से इसका साइन ये कर दिया एक बार मेरी रिएक्शन को रिवाइज कर रहा हूं यहां पर रिपीट कर रहा हूं सी आर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस एसओ फोर माइनस टू टू सी आर प्लस थ्री प्लस एसओ फोर माइनस टू ठीक है ये आपके पास यहाँ पर रिएक्शन हो गई अब आपको यहाँ पर देखना है कि ऑक्सीडेशन भाई फर्स्टली आप क्या करेंगे यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी प्लस सिक्स ठीक है ऑक्सीजन की माइनस टू सल्फर की यहाँ पर प्लस फोर इसकी माइनस टू यहाँ पर इसकी प्लस थ्री यहाँ पर इसकी प्लस फाइव सॉरी प्लस सिक्स और यहाँ पर इसकी माइनस टू अब आप देखिए कि क्रोमियम में क्या हुआ यानी कि इसमें कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है तो यहां पर क्या है कि इसमें डिक्रीमेंट हुआ है थ्री का कितने का डिक्रीमेंट हुआ है थ्री का और यहां पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है यहां पर कि ये क्या है प्लस फोर से किसमें चेंज हुआ है सल्फर यहां पर प्लस सिक्स में तो यहां पर क्या हुआ इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? यहां पर टू का ठीक है यहां पर क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है इंक्रीज हुई है तो यहां पर क्या है कि भाई अब इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन ठीक है यहां पर आपको क्या देखना है किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है बोथ एटम में आपको क्या चेक करना है कि अब आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेक हो गया उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो इसका यहां पर क्या हो रहा है रिडक्शन प्लस सिक्स किस में आ रहा है प्लस थ्री में और इसका क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन ठीक है तो अब यहां पर क्या है कि भाई अब इनका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को इक्वल करना है तो इसके लिए आप कैसे करेंगे यहां पर थ्री है यहां पर टू का डिफरेंस है तो इसको आप टू से मल्टीप्लाई कर दें इसको आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो मीन यहां पर क्या है कि भी आपने टू से मल्टीप्लाई क्रोमियम को तो कर ही दिया ठीक है तो आप सल्फर को किससे कर दें यानी कि इनको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे आयन यहां पर बैलेंस हो जाएंगे ठीक है तो ये आयन यहां पर क्या हो गए बैलेंस हो गए अब यहां पर क्या है कि भी इन पर जो चार्ज है वो तो बैलेंस हो गया लेकिन इसके बाद क्या है कि आपको यहां पर क्या करना है कि फर्स्टली आपको अब यहां पर क्या है कि इस कंडीशन में यानी कि इन दोनों आइटम पर तो आपने क्या कर दिया आयन बैलेंस कर दिए लेकिन अब क्या है यहां पर कंडीशन कि आपको टोटल जो इक्वेशन है रिएक्शन है यहां पर ठीक है इसका आपको आयन क्या करना है बैलेंस करना है तो इसके लिए आपको वी टेक इट रिपीट ओ सेवन माइनस टू प्लस थ्री एसओ फोर माइनस टू टू सी आर प्लस थ्री प्लस थ्री एसओ फोर माइनस टू ठीक है अब अपने पास ये रिएक्शन हो गई ठीक है भी अपने क्या है कि यहां पर आयस और एटम्स क्या कर दिए यहां पर बैलेंस कर दिए ठीक है थीके? अब आपको यहां पर क्या है कि जो रिएक्शन में टोटल जो चार्ज है उसको आपको क्या करना है बैलेंस करना है और रिएक्शन जब एसिडिक मीडियम में है तो आपको क्या है कि उस साइड एक साइड आपको क्या करना पड़ेगा H प्लस एड करने पड़ेंगे आपको ठीक है तो अब आप टोटल आयन यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर देखिए कि अब आप यहां पर आयन चेक करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर अपन ऑक्सीजन का यहां पर नेगेटिव चार्ज देखो पॉजिटिव चार्ज तो अपने इक्वल कर ही दिए हैं ठीक है भाई तीन दूनी छह और यहां पर इसकी सिक्स आई ठीक है ये तो अपने बैलेंस है अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या होती है कि आपको यहां पर क्या है कि भाई कितने हाइड्रोजन यहाँ पर एटम्स आपको कि H प्लस करने और लेफ्ट साइड करने या राइट right साइड करने तो पर आपको क्या है कि ऑक्सीजन का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो अब यहां पर आप देखिए कि ऑक्सीजन का यहां पर कितना होता है तो देखिए यहां पर कि यहां पर फोर है सॉरी थ्री है फोर कर दिया मैंने बेटा थ्री एस थ्री है ठीक so है सॉरी तो अब क्या है यहां पर थ्री थ्री नाइन और नाइन इसकी ऑक्सीडेशन क्या है टू है तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो नाइन ऑक्सीजन यहां पर और सेवन ऑक्सीजन यहां पर क्या हो गई है सिक्सटीन तो सिक्सटीन टू जा पर टू पर है तो यहां पर है माइनस थर्टी टू ऑक्सीजन का बैलेंस ठीक है ऑक्सीजन आपको यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है कितने हो गए टोटल पूरी रिएक्शन में यहां पर और यहां पर क्या हो गए थर्टी टू अब अगर इसी में आप देखें तो यहां पर क्या है ट्वेल्व क्या है ट्वेल्व है यहां पर तो ट्वेल्व पर क्या हो गई ट्वेंटी फोर क्या हो जाएंगे यहां पर माइनस ट्वेंटी फोर है तो अब क्या है कि भाई यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो क्या है कि बैलेंस था ठीक है अब यहां पर क्या है कि आपको क्या चेक करना है कि कि ये जो डिफरेंस डिफरेंस है 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 यहां यहां पर पर कितने का इन, इनके 8 का इनके बिटवीन ठीक तो क्या आपको लेफ्ट साइड में प्लस एट एच प्लस आपको एड करने है ठीक है तो इससे क्या है कि अब तो ये कंप्लीट रिएक्शन में आयन यहां पर क्या हो गए बैलेंसड हो गए पॉजिटिव नेगेटिव इधर भी और इधर भी ठीक है अब आपको क्या करना है लास्ट फाइनल आपको करना है हाइड्रोजन बैलेंस ठीक है हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं तो इस कंडीशन में आपको सी आर टू ओ सेवन माइनस टू अब आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगी थ्री एस ओ थ्री माइनस टू प्लस एट एच प्लस ये एसिडिक मीडियम की वजह से आपने ऐड किए हैं यहां पर टू सी आर प्लस थ्री प्लस थ्री एस ओ फोर माइनस टू अब यहाँ पर एट एच है ठीक है एच प्लस है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर फोर वाटर मॉलिक्यूल आप राइट right साइड में ऐड कर लेंगे तो इससे क्या हो गया आपका हाइड्रोजन क्या हो गया बैलेंस हो गया अब आप क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का और सभी एटम को यानी कि ये रिएक्शन आपकी क्या होगी अब बैलेंस रिएक्शन होगी अब यहाँ पर आप कोई भी एटम्स यहाँ पर कैलकुलेट करें देखिए यहाँ पर क्रोमियम टू है क्रोमियम टू ऑक्सीजन सेवन और नाइन सिक्सटीन यहां पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी ट्वेल्व फोर थ्री जा और यहां से. इक्वल, ठीक है सल्फर यहां पर थ्री हाइड्रोजन एट यहां पर फोर टू जाट तो ये क्या होगी आपकी कंप्लीट आयनिक रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई ठीक है अब आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं आज ठीक है ये तो कल का था एक नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है कि पोटेशियम पर की जो आयंस रिएक्शन है वो क्या है कि विद ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम तो आपके पास रिएक्शन का एग्जाम्पल है एम एन ओ फोर माइनस प्लस बी आर माइनस ठीक है और आपको क्या बन रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एम एन ओ टू प्लस बी आर ओ थ्री माइनस एक्वस ये सोलिड ये 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 एक्वस और ये एक्वस और ये भी ठीक है अब इसमें आप ये देखिए कि फर्स्टली आपको क्या है कि आपको बताया था एटम बैलेंस करने तो यहां पर क्या है फॉर्चुनेटली सभी क्या है कि बैलेंस है ठीक है वन 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 यानी कि ये भी ये भी ये भी और ये भी यहां आप आपको ऑक्सीजन पर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है अभी हाल फिलहाल ठीक है फर्स्टली आपको क्या है कि इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उन पर अपन बात करते हैं अब देखिए यहां पर कि मैग्नीस जो है यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है प्लस सेवन क्या है यहां पर प्लस सेवन ब्रोमीन यहां पर क्या है माइनस वन में है ठीक है ऑक्सीजन की बात करोगे तो ये किस में? में है अब यहां पर क्या है इस साइड अगर अपन बात करें तो यहां पर मैग्नीज किसमें है प्लस फोर स्टेट में है ठीक है और इधर किस में है ब्रोमीन प्लस फाइव में है ठीक है तो अब आपको क्या है कि भाई ये आयंस देख लिए एटम बैलेंस हो गया ऑक्सीडेशन अब आपको क्या है अब आप यहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को आप देखेंगे ठीक है अब यहां पर क्या है कि भाई इंक्रीमेंट क्या हुआ डिक्रीमेंट हुआ है कितने को हुआ प्लस थ्री का यानी कि यहां पर डिक्रीमेंट हुआ है थ्री का ठीक है और अगर बी आर माइनस से यहां पर क्या हुआ ये बी आर प्लस फाइव में आया है तो यहां पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सिक्स का हुआ है देखो यहां पर माइनस से अगर कोई भी वैल्यू प्लस में जाती है तो उसमें क्या है कि उसके अकॉर्डिंग आप टोटल करेंगे ठीक है तो माइनस से आप जाएंगे तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री तो ये स्टेट बढ़ती जाएगी ठीक है तो ये माइनस वन से क्या आया प्लस में तो यहां पर डिक्रीमेंट हुआ सिक्स का तो अब आप इस कंडीशन में यहां पर क्या है कि मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे कि भाई यहां पर इसको बैलेंस करना है तो इसको आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है टू को किसको करना है मैगनीज को ठीक है तो यहां पर आप बोथ साइड क्या कर देंगे टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अब यहां पर आयंस क्या हो गए चार दुनी आठ ठीक है और पांच तेरह यहां पर क्या हो जाएंगे सात दुनी चौदह और माइनस का एक सॉरी एक माइनस का ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर तेरह आयन क्या हो गए यहां पर बैलेंस हो गए यानी कि थर्टीन थर्टीन हो गए ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर कि जो रिएक्शन है सॉरी मैंने रिएक्शन नहीं बताया किस मीडियम में रिएक्शन यहां पर क्या है बेसिक मीडियम में

और वन क्या हो गए टोटल थ्री माइनस ठीक है इधर क्या है ओनली वन माइनस है तो आप क्या करेंगे यहां पर ओ एच माइनस टू ओ एच माइनस यहां पर ऐड करेंगे तो ये क्या है नेगेटिव चार्ज भी यहाँ क्या हो गया अब बैलेंस हो गया अब आपको क्या करना है हाइड्रोजन बैलेंस करने है, क्या करने हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं तो हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप इसमें क्या है कि भाई जिस साइड हाइड्रोजन नहीं है तो उस साइड आप क्या करोगे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे अब देखिए इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है इधर हाइड्रोजन क्या है टू है तो आपको क्या होगा कि इधर क्या करेंगे इस साइड प्लस टू एच सॉरी वन एच टू मोलिक्यूल आप ऐड करेंगे टू, टू हाइड्रोजन ऐड करने हैं आपको तो आपके पास यहां पर टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस बी आर माइनस प्लस एच टू ठीक है टू एम एन ओ टू प्लस बी आर ओ थ्री माइनस प्लस टू ओ एच माइनस दिस रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन अब आप यहां पर कैलकुलेट करके देख लें देखो टू एम एन है टू एम एन हो गए ठीक है ऑक्सीजन आप काउंट काउंट कीजिए फोर टू जा एट और वन नाइन ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा टू टू जा फोर थ्री सेवन और टू नाइन ठीक है उसके बाद आप ब्रोमाइड के देखिए ऑक्सीजन पर सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है टू और यहाँ पर भी क्या है टू है ठीक है आप आयंस के भी चेक करेंगे तो आयंस भी आयस पर क्या मिलेंगे बैलेंस हो जाएंगे तो इस तरह से आपको क्या है ये एक सेकेंड एग्जाम्पल और हो गया है ठीक है थोड़ा मैंने आज को आज, आज आपको शॉर्टकट भी कर दिया है ये, ठीक है पिछला तो मैंने बुक से ही आपको बुक के अकॉर्डिंग सारी बातें की थी आज मैंने क्या है कि थोड़ा शॉर्टकट आपको ये बताया है ठीक है अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें हाफ रिएक्शन मेथड से आप इनको बैलेंस करेंगे ठीक है थैंक यू